ये आपकी रोटी भी छीन लेंगे, ये आपकी बेटी भी छीन लेंगे, ये आपकी जमीन भी छीन लेंगे, आपका रिजर्वेशन छीनकर यानी कि आदिवासी का रिजर्वेशन छीनकर वोट बैंक को दे दिया जाएगा। झारखंड में सरस्वती वंदना पर भी रोक लगा दी और माँ दुर्गा पर भी रोक लगा दी। ये बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बोल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी भाषा की वजह से अपने पद और अपने पोजीशन की तमाम गरिमा को खो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का भाषण झारखंड के गढ़वाल में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह का उनका पोजीशन है उस पोजीशन पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में पहली रैली को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के गढ़वाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण सामने आया। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उसी 2014 के लय में और तेवर में नजर आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम हद को पार करके एक ऐसी भाषण को जनता के बीच रख रहे, संबोधन कर रहे, जो भाषण कम से कम प्रधानमंत्री पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति से जो है कभी भी उपेक्षा नहीं थी और कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कई सारे सवाल उठे हैं, लोगों ने सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका पर भी ऐसा सवाल उठा दिया है कि अगर कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता, राजद के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता करते तो शायद उनको माफी मांगने की बात नसीहत लोग दे चुके होते, मगर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं आज झारखंड में इस तरह की भाषण देकर आए हैं जिसकी उम्मीद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके समर्थक भी नहीं कर रहे होंगे। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब भाषण दे रहे थे उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में कहीं पर कॉलेज का जिक्र नहीं था, कहीं पर स्कूल का जिक्र नहीं था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजेता की तरह जो है सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। 56 इंच के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं, कनाडा में हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण जब दे रहे थे तो उन्होंने अपनी गरिमा को इस कदर तार तार किया शायद उनके समर्थक और उनके जो शुभ चिंतक हैं वो भी आज के भाषण से नाराज नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले कहा कांग्रेस अलायंस पर यानी जेएमएम अलायंस पर बरसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अलायंस वाले आपकी रोटी को भी छीन लेंगे, आपकी बेटी को भी छीन लेंगे और आपकी जमीन को भी छीन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कौन सा चेहरा सामने किसका आया है जहां पर ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोटी को भी छीन लेंगे, बेटी को भी छीन लेंगे और जमीन को भी छीन लेंगे। आपको मालूम होगा कि मणिपुर का दृश्य और वहां का जो नग्न वीडियो आपने देखा होगा और आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुप्पी साधे हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से कुछ भी ऐसा आश्वासन वहां मणिपुर की बहनों के लिए नहीं कहा गया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को ऊपर कहा है कि आपकी रिजर्वेशन यानी दल आदिवासियों की रिजर्वेशन छीन कर वोट बैंक को दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मुफ्त की रेवड़ी पर लगातार केजरीवाल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पर हमला आवर रहते, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड इलेक्शन का जहां पर घोषणा पत्र भी बीजेपी का अनाउंस हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया है,
₹500 में सिलेंडर देने का बात किया है, और दीपावली और रक्षाबंधन के जब आएगा तो उस वक्त में 2 सिलेंडर झारखंड की हर बहनों को फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जब सेवाएं, बस सेवाएं फ्री की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुफ्त की रेडियो को लेकर केजरीवाल पर जो है सवालिया निशान उठा रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है मुफ्त की रेबड़ी या मुफ्त की रेबड़ी बांटने पर लगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को घुसपेटिया अलायंस कहा है, घुसपेटिया गठबंधन कहा है, और ये जो इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर है उनको माफिया का गुलाम बताया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपेटिए वोट दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि घुसपेटिए वोट देते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यायपालिका पर एक बड़ा सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब घुसपेटिए की जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद प्रशासन के लोग भी कोई कार्रवाई नहीं करते, और ऐसा लगता है कि घुसपेटिया पूरे प्रशासन में भी जा चुका और प्रशासन भी घुसपेटिया हो चुका है। न्यायपालिका का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही है। झारखंड के गढ़वाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सामने आया है, और झारखंड में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गरिमा को ना देखते हुए इस तरह का भाषण दिया है, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि आपकी रोटी को भी ले लेंगे, बेटी को भी छीन लेंगे, जमीन को भी छीन लेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे पहला सवाल उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर को लेकर सवाल उठता है, बबीता फोगाट को लेकर सवाल उठता है, साक्षी मलिक को लेकर सवाल उठता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आज भाषण दिया गया, उस भाषण की गरिमा इतनी नीची थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शक भी कई सारे लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए। एक तरफ झारखंड का विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, और इन तमाम चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली रैली में घुसपेटिया शब्द जोड़ना, वोट बैंक की तरफ आना, घुसपेटिया गठबंधन बताना, माफिया का गुलाम बताना, बेटी रोटी जमीन छीनने वाला बताना, कितना कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जो है पोजीशन लेगा, इस इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड होगा, क्या इलेक्शन कमीशन भी जो है मुख दर्शक बना रहेगा, या इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन भाषणों पर संज्ञान लेगा। संज्ञान लेना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर इलेक्शन कमीशन के पास शायद इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इस भाषण के बारे में बातचीत भी कर सके। अब देखना यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा भाषण सामने आया, दूसरी तरफ अलायंस की तरफ से कुछ खास नहीं कहा गया है, मगर इलेक्शन कमीशन का चुप्पी मुख दर्शक बने रहना कितने दिनों तक रहता है, और क्या इंडिया अलायंस के जब नेता बोलेंगे तब भी इलेक्शन कमीशन इसी तरीके से खामोश रहेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन, खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।